नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई और ना ही इसकी दवा इजाद करने में अभी वैज्ञानिकों को सफलता मिली। डॉक्टरों की माने तो इसका बचाव ही एकमात्र उपाय। आप साफ सफाई का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। सही और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला भोजन करें, जिससे आपके अंदर कोरोना से लड़ने में क्षमता विकसित होगी और आप कोरोना को हरा सकते हैं। यही हुआ है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में एक सर्वे हुआ है जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। कहा जा रहा है कि दिल्ली में 40 लाख लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन उन 40 लाख लोगों ने खुद ही कोरोना को हरा दिया। और कहा जा रहा है कि दिल्ली में लोगों की हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ऐसा हुआ है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी एक प्रक्रिया है, इसमें लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, वो चाहे वायरस के संपर्क में आने से हो या फिर वैक्सीन से। अगर कुल जनसंख्या के 75% लोगों में ये प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाती तो हर्ड इम्यूनिटी माना जाता है। फिर 4 में से 3 लोग अगर संक्रमित शख्स से मिले तो उन्हें ना ये बीमारी लगेगी और ना वे इसे फैलाएंगे। जानकारों की माने तो कोविड-19 के केस में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने के लिए 60% में रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। अभी संशय बना हुआ है कि कितने प्रतिशत पर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती, उसकी जानकारी अभी साफ साफ नहीं। अभी जब तक कोरोना की दवा नहीं बनती तब तक वैक्सीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी, इसीलिए ये संक्रमण से ही हो सकती, लेकिन कितने प्रतिशत पर ये साफ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली वालों को कोरोना हुआ, लेकिन दिल्ली वाले समझ नहीं पाए कि कोरोना हुआ। फिर कोरोना अपने आप ही शरीर में खत्म हो गया। दिल्ली की 40% आबादी ठीक हो गई। और ये कोरोना के सीरो सर्वे के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वालों ने कैसे कोरोना को हरा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप खुले में घूमें। जी नहीं, अभी भी आपको सावधानी बरतनी है और जब जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाएं और अपना कोरोना से बचाव करें।